मुंजन, आज हम बात करेंगे अजंता फार्मा लिमिटेड के बारे में, जिसका बायबैक आया है और काफ़ी अच्छा बायबैक आया है। मींस जो रेट बायबैक का इन्होंने रखा है वो 1300 रुपये का रखा है और अब स्टॉक देखेंगे तो चल रहा है 932। तो इसी के बारे में जानेंगे, अगर बायबैक के लिहाज से ये स्टॉक लेना है या नहीं लेना है वो भी हम जानेंगे। तो इसका अगर आप देखेंगे तो 895 का 52 वीक लो है, मीन्स लोअर लेवल्स के काफ़ी करीब है और 1450 के करीब इसका 52 वीक हाई है। तो अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर 2018 में काफ़ी मीन्स उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, दोनों तरफ ये स्टॉक चला है और अब 52 वीक लोअर लेवल्स के ऊपर ही ये स्टॉक चल रहा है, क्योंकि जो इसका बायबैक साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। तो लेटर में आपको दिखाता हूँ, इसका अगर देखेंगे तो 2 रुपये का फेस वैल्यू है और मार्केट कैप 8190। लेकिन अगर आप पिछले 8 से 10 साल का चार्ट देखेंगे तो इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न्स भी दिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में काफ़ी प्रेशर देखने को मिला है और अब काफ़ी लोअर लेवल्स के ऊपर चल रहा है। तो थोड़ा मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए और बायबैक के लिहाज से अगर इसे लेना है तो मेरे हिसाब से बायबैक के लिहाज से तो नहीं लीजिए, क्योंकि इसका जो बायबैक आया है वो 0.87% टोटल पेडअप कैपिटल का है, मतलब लगभग 7 से 8 लाख शेयर्स ही जो है कंपनी बाय करेगी। तो इसके अंदर एक्सेप्टेंस रेशियो जो रहेगा वो काफ़ी कम हो सकता है, क्योंकि ये टेंडर रूट से ही होगा तो शेयर होल्डर से ही बायबैक होगा। तो एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आपके पास 10 शेयर थे तो हो सकता है 1 शेयर ही जाए, 2 शेयर ही जाए, तो एक्सेप्टेंस रेशियो थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि जो साइज़ ऑफ बायबैक है वो कम है लेकिन प्राइस ऑफ बायबैक है वो काफ़ी अच्छा है। 1300 रुपये का बायबैक है, तो जिसके पास स्टॉक है वो टेंडर करिए मेरे हिसाब से। तो न्यू शेयर्स बायबैक के लिए लेना ये एक अलग चीज़ है, जिसके पास ऑलरेडी हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर 2 शेयर 3 शेयर भी अगर 10 शेयर में जाते हैं तो काफ़ी अच्छा मीन्स हो सकता है, क्योंकि अच्छा प्राइस यहाँ से मिल रहा है। तो बायबैक का प्राइस अच्छा दिया है कंपनी ने, खाली जो है जो साइज़ थोड़ा और अगर बढ़ जाता लगभग 2-3% का तो काफ़ी अच्छा हो जाता। तो आज इसी के बारे में बोलना था ताकि आपको भी आइडिया आ सके, क्योंकि काफ़ी लोग वेट कर रहे थे बायबैक अमाउंट के लिए। तो उसी के बारे में आज बोलना था, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।